मैं डायरेक्टर हूं और बॉम्बे में जो भी मेरे प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूं तो मैं बुंदेलखंड को अच्छे से मैंने बचपन से देखा है, यहां पर रहा हूं, तो यहां की जो भी लोकेशन है, यहां की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहां पर जो भी सिनेमैटिक ब्यूटी है उसको अच्छे से मैं कहां कैसे कैप्चर कर सकता हूं, तो मैं हर दम जो मुंबई के प्रोड्यूसर हैं या फाइनेंसर हैं, मैं हर दम उनको प्रोत्साहित करता हूं कि आप बेटर है, आप इस जगह चलें, क्योंकि वहाँ पर लोकेशन की भी बहुत मारामारी है, बॉम्बे इतना कमर्शलाइज है, तो यहाँ पर क्या है, अच्छे से शूट भी हो जाता है, लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहता है, और एक फाइनेंसर प्रोड्यूसर अपने बहुत सारे पैसे भी सेव करता है, और सिनेमेटिकली आप अपने प्रोजेक्ट को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। जो आपने अभी अटकन चटकन शूट किया, तो झांसी में जब आप शूट कर रहे थे, किस तरह का अनुभव रहा यहाँ की चीज़ों को जोड़ने में? अटकन चटकन की मेरी बहुत बड़ी जर्नी रही, बिकॉज मैं अटकन चटकन पिछले काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा था, फिर उसके बारे में मैंने उसके डेमो प्रोमो बनाए। झांसी में हमने अप्रैल के मंथ में शूट किया, हालांकि अप्रैल इतना गर्म होता है यहाँ पे, और हमारे बच्चे गुजरात, चेन्नई, राजस्थान, हर स्टेट से थे और हर स्टेट के लोग थे। तो बीइंग अ डायरेक्टर, मुझे फिल्म शूट करना, भले वो गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हरदम अच्छा ही एक्सपीरियंस रहता है, तो इट्स रियली प्लेजेंट एक्सपीरियंस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। फिल्म को इस समय किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? फिल्म को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, हर जगह सराही जा रही है। आप जितने भी देश हैं जहाँ पर GTV बैन नहीं है, वहाँ पर फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। अभी मैंने हाल ही में बताया कि लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला है आउट ऑफ 42-43 कंट्री, और बाकी आप IMDB रेटिंग देख सकते हैं। IMDB पर आपकी 8.7 से अभी 8.21 पर रेटिंग चल रही है, जो कि एक अच्छी खासी रेटिंग होती है एज ए हिंदी फिल्म, एज ए चिल्ड्रन फिल्म, जबकि चिल्ड्रन फिल्म बहुत कम बनाई जा रही हैं, बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं चिल्ड्रन फिल्म्स के लिए। तो इतने दशकों के बाद एक इस तरह की चिल्ड्रन फिल्म का आना, मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।